हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा जी आप लोग सब? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सुनील यादव एंड आई वेलकम्स यू ऑल टू आवर चैनल दैट इज़ कैम्प स्पेस। हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसी चीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सॉलिड स्टेट के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम लोग। किसका क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम डिस्कस कर रहे थे और हमने दो टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डिस्कशन किया था। उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिएगा, दो टाइप्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे आपके साथ। आज हम थर्ड टाइप पर चलने वाले हैं। थर्ड टाइप क्या होता है? क्लासिफिकेशन क्या है थर्ड क्लासिफिकेशन? थर्ड इज कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड्स, थर्ड टाइप इज कोवेलेंट सॉलिड्स। अब कोवेलेंट सॉलिड्स कौन से टाइप के सॉलिड्स होते हैं? सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं इनके? तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी हो सकता है। उसके बाद बात आती है कि इनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी वर्क करती होगी। तो बॉन्डिंग इनके अंदर वर्क करती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब देखिएगा, एक एग्जाम्पल से डिस्कस करता हूं मैं इस चीज को। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं डायमंड का। फर्स्ट एग्जाम्पल इज डायमंड। डायमंड का फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब डायमंड के अंदर क्या होता है कि कार्बन जो होता है ना, सिंगल कार्बन एटम अगर मैं लूँ ऐसे, तो फर्दर वो कार्बन एटम चार कार्बन से इस तरीके से बॉन्डेड होता है, अटैच्ड होता है ऐसे, इस तरीके से बॉन्डेड होता है। और ये जो कार्बन एटम से, ये फर्दर तीन तीन कार्बन से फर्दर जुड़े होते हैं, यानी हर एक कार्बन चार कार्बन से बॉन्डेड होता है इस तरीके से। और इसी वे में ऐसे स्ट्रक्चर जो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा और ये थ्री डायमेंशनल 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाएगा, नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाएगा पूरा का पूरा। इसीलिए हम लोग इसको, डायमंड को, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। और नेटवर्क सॉलिड कहते हैं तो देखिएगा होता क्या है कि डायमंड जो है ना, इसी नेटवर्क, इसी थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होने की वजह से डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है। डायमंड इज दी हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, यानी अर्थ पे जो भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं नेचर के अंदर, उनमें सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस डायमंड को कंसिडर किया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि डायमंड जो होता है ना बेटा जी, डायमंड अपने आप में क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, या वी कैन से इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके साथ ही साथ मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? वेरी हाई होता है। बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है इनका, क्योंकि हार्ड चीजें हैं। और एग्जाम्पल अगर मैं कोवेलेंट सॉलिड्स के और एग्जाम्पल बता दूं आपको, जैसे कि एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जैसे डायमंड मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। एक एग्जाम्पल होता है SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। एक एग्जाम्पल होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। जनरली क्या होते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो नहीं करते हैं। लेकिन अब जो मैं एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ग्रेफाइट एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा अब मैं आपसे, ये ग्रेफाइट देखिएगा आप,
ये गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कैसे होगा इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। देखिएगा बेटा जी क्या होता है कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है ना वो समझना है सबसे पहले आपको। ग्रेफाइट के अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के अंदर इंडल जो होता है ये पाया जाता है स्ट्रक्चर। इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है, इसमें ऐसा होता है कि हर एक कार्बन ने अपनी लेयर के अंदर तीन तीन बॉन्ड बना रखे होते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन सारे कार्बन के पास फ्री रहता है इस तरीके से। उस फ्री इलेक्ट्रॉन से ये क्या चाहते हैं, इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन है सबके पास, एक एक सारे कार्बन के पास। अब ये लोग क्यों रखते हैं इस फ्री इलेक्ट्रॉन को, ये लोग चाहते हैं कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन से ना हम लोग क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। बॉन्डिंग कैसे करेंगे, जैसे कि इस तरीके से एक लेयर से दूसरी लेयर में बॉन्डिंग करेंगे, इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी, इस तरीके की बॉन्डिंग होगी, इस तरीके से। दिस इज द वे ऑफ बॉन्डिंग, एक लेयर से दूसरे लेयर में बॉन्डिंग होगी इस तरीके से, ये बॉन्डिंग हो जाएगी इस तरीके से। समझिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लीजिएगा इसको बिल्कुल अच्छे से। लेकिन होता क्या है, बॉन्डिंग तो हो गई, अब चौथा इलेक्ट्रॉन भी कंज्यूम हो गया, लेकिन बेटा जी क्या होता है कि ये लेयर्स जो होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से रखी हैं, वो लेयर्स आपस में क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है। ये लेयर्स आपस में स्लिप होने की वजह से, जैसे ही लेयर्स क्या होती हैं, स्लिप होती हैं, तो ये बॉन्डिंग जो होती है ये ब्रेक हो जाती है, सारी की सारी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और बॉन्डिंग ब्रेक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, पहले जो बॉन्ड बनाने के लिए, जो दूसरी लेयर में जो बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स बचा रखे थे जो ब्लू कलर से मैंने शो किए हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स वापस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाता है बेटा जी, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जनरेट होने की वजह से क्या होता है, ये जो ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसीलिए हम लोग जो बैटरी होती है हमारे पास, उन बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं वो ग्रेफाइट से बने होते हैं, और पेंसिल के अंदर जो लेड होता है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो कर सकती है, बहुत इजीली फ्लो करती है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और कोई मशीन्स अगर हाई टेम्परेचर पर वर्क करती है कुछ मशीन्स, तो उन मशीन्स के अंदर एज ए लुब्रिकेंट हम लोग ग्रीस वगैरह यूज़ करते हैं वैसे जनरली, लेकिन उन मशीन्स के अंदर हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर जब मशीन वर्क करती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हम ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वहाँ पर, सॉरी, ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट वहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कोई मशीन वर्क करती है तो वहाँ पर हम लोग ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट वर्क करते हैं, ग्रीस को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ग्रीस जो है वो मेल्ट हो जाती है, या ग्रीस ग्रीस जैसे फॉर्म में ही नहीं रहती है, तो इसलिए ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो ग्रेफाइट के काफ़ी सारे यूजेज होते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप का, सॉरी थर्ड टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन, जो कि कोवेलेंट सॉलिड था। अब हम फोर्थ टाइप पर चलते हैं, मेटेलिक सॉलिड के ऊपर। फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या होता है मेटेलिक सॉलिड, अब देखिएगा मेटेलिक सॉलिड को समझेंगे आप बहुत अच्छे से। मेटेलिक सॉलिड को समझने के लिए देखिएगा ऐसे समझते हैं हम, मान लीजिए ये कोई मेटल पीस है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मेटल के अंदर, मेटल के इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे, मेटेलिक आयंस होंगे, पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस होंगे इस वे में, दिस वे। दिस विल बी द वे, इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज आयन्स यहाँ पर होंगे। अब पॉजिटिव चार्ज जब जनरेट किया होगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए होंगे इन्हीं मेटल आयन्स ने, तो
तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी रखे हैं यहाँ पर। अब आप सोचोगे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज तो ज़्यादा है और पॉजिटिव चार्जेस आयन्स कम दिखाई दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बेटा जब मेटल आयन जनरेट होगा तो वो केवल एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ही बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कि जैसे मान लो सोडियम बन रहा है, सोडियम सोडियम Na पॉजिटिव बन रहा है तो वो तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम अगर मेटल आयन बन रहा है तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनेगा। तो इस तरीके से अब ये जो होता है इसको हम लोग ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इस चीज़ को हम लोग सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दिस इज नोन एज सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, घूमते फिरते इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र कहते हैं इसको हम लोग। और ये जो पॉजिटिव चार्ज जो हमें दिख रहा है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो दिख रहे हैं हमें, इन्हीं को हम लोग कर्नेल्स कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कर्नेल्स कहते हैं। तो देखिएगा ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होने की वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली बहुत अच्छे से फ्लो करती है इनके अंदर, और ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, विद हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियरली अगर बातें आपको समझ आई बेटा जी, तो देखिएगा फिर हम लोग अब आगे चलते हैं। अब हमने 4 तरीके के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिस्कस किया है यहाँ पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जो बातें करने वाले हैं यहाँ से, अब हम लोग स्पेस लेटिस या फिर क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल्स के बारे में या लेटिस पॉइंट के बारे में बातें करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है, किस चीज़ को हम लोग स्पेस लेटिस कहते हैं, किस चीज़ को हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेस लेटिस के बारे में, या इसी को हम लोग क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे लेटिस पॉइंट के बारे में, एंड यूनिट सेल के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। वट आर दीज टर्म्स, इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये टर्म्स किस तरीके से समझनी है, कैसे इनको समझा जाएगा, इस चीज़ को देखने के लिए आइएगा फटाफट से। सपोज दैट मैं एक क्रिस्टल बनाता हूँ आपके सामने इस तरीके से, ये क्रिस्टल बना दिया हमने, ये क्रिस्टल एक अरेंजमेंट बना दिया मैंने। अब देखिएगा बेटा जी, मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूं, ये क्रिस्टल बना कैसे है, बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ अरेंज किया है, बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ कनेक्ट किए हमने। जो एक पॉइंट होता है ना, सिंगल पॉइंट जो है, ये सिंगल पॉइंट की बात अगर मैं करूं, दिस सिंगल पॉइंट, इस पॉइंट पर रखा क्या है, सिंगल पॉइंट का मतलब क्या है, यहां पर या तो एटम होगा या फिर कोई आयन रखा होगा या फिर कोई मॉलिक्यूल रखा होगा, यही तो चीजें हो सकती हैं। तो सिंगल जो पॉइंट होगा जिसके ऊपर कोई भी एटम आयन या मॉलिक्यूल बैठा होगा, उस सिंगल पॉइंट का नाम बेटा जी क्या होता है, लैटिस पॉइंट होता है। दैट सिंगल पॉइंट इज नोन एज लैटिस पॉइंट। अगर उसके बाद मैं क्या करूं कि इस तरीके से ये पॉइंट्स मैंने कनेक्ट कर दिए ऐसे आपस में, अब पॉइंट्स कनेक्ट करने के बाद ये जो स्क्वायर जैसा अरेंजमेंट बन गया, ये स्क्वायर जैसा अरेंजमेंट जो बना, स्क्वायर क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल चीज़ होती है, 2D। तो ये जो स्क्वायर जैसी चीज़ बनी, अगर इस स्क्वायर को बार बार मैं रिपीट करता रहूँ, बार बार स्क्वायर को रिपीट करता रहूँगा, देखो ऐसे ये इधर एक और स्क्वायर बन जाएगा ऐसे,
फिर ये एक और स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, फिर ये ऊपर भी स्क्वायर जैसा बन जाएगा, ऊपर ऐसा, ऊपर भी इस तरीके से बन जाएगा, फिर इस तरीके से बन जाएगा। ये स्क्वायर जैसे, अगर एक ही स्क्वायर को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो पूरा अरेंजमेंट बन रहा है। तो ये जो स्क्वायर बना ना बेटा, ये टू डायमेंशनल की बातें अभी हो रही हैं, टू डायमेंशनल की बातें हो रही है। तो ये स्क्वायर जो चीज़ बनी, इसी को यूनिट सेल कहते हैं हम लोग। यानी यूनिट सेल वो चीज़ होती है जिसको बार बार रिपीट करके हम लोग पूरा क्रिस्टल बना सकते हैं, पूरा लैटिस बना सकते हैं। और ये जो पूरा लैटिस बनेगा, ये पूरा लैटिस जो है कंप्लीट टू डायमेंशनल, अभी टू डायमेंशनल की बातें हो रही है तो टू डायमेंशन की बातें बोल रहा हूँ मैं। टू डायमेंशनल लैटिस को कंप्लीट बना दिया जाए, उसके बाद जो चीज़ बन के आ रही है हमारे पास, पूरा सॉलिड जो लैटिस बन रहा है, पूरा क्रिस्टल जो बन गया है, इसी कंप्लीट लैटिस को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं। दिस कंप्लीट लैटिस इज नोन एज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, दिस इज नोन एज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। अगर ये बातें आपको क्लियरली समझ आई तो फिर आप देखिएगा, एक और चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, आइएगा और चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। थ्री डायमेंशनल के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिए मैं इस तरीके का एक एक क्यूब बनाता हूँ। सबसे पहले मैं ये एक क्यूब बन गया, दिस इज वन ऑफ द क्यूब। अगर इस क्यूब को ही बार बार रिपीट करते रहे हम लोग, बार बार रिपीटेशन करते रहेंगे इस क्यूब का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, और सारे क्यूब्स भी जनरेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बोलो। और या इसको मत बनाइएगा, एक ही क्यूब से समझते हैं हम इस चीज़ को। तो अगर इस क्यूब को मैं बार बार रिपीट करता रहूं तो पूरा लैटिस बन जाएगा, लेकिन क्यूब का एक पॉइंट जो होगा, एक पॉइंट की अगर बात करूं क्यूब के अंदर, मैं सिंगल पॉइंट की बात अगर करूं तो ये तो लैटिस पॉइंट है मेरा। तो सिंगल पॉइंट जिससे शुरुआत हुई थी इस लैटिस यूनिट सेल की बनने की, वो तो लैटिस पॉइंट हो गया। और ये जो क्यूब बना हुआ है, ये जो क्यूब मैंने लिख दिया, इस क्यूब को क्या कहेंगे हम, यूनिट सेल कहते हैं। लेकिन ये वाला यूनिट सेल बेटा जी कैसा है, ये थ्री डायमेंशनल है। जो मैंने स्क्वायर बनाया था वो टू डायमेंशनल था। और जब व्हेन ऐसा लिख देता हूं मैं इसको, द स्मॉलेस्ट यूनिट, विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, टू प्रोड्यूस ए थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। एक थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए जिस छोटी से छोटी यूनिट को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, उसी को ही तो हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। जैसे कि समझिएगा आप, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे आप घर बना रहे हैं अपना, मान लीजिए आपके घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और जब घर बन रहा है तो एक दीवार बना रहे हैं मान लो। तो दीवार बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, ईंटों का यूज़ करते हैं। तो ब्रिक्स जब एक ब्रिक्स किस तरह क्यूबोइडल क्यूबोइडल शेप में ब्रिक्स हमारे पास होती हैं, तो ब्रिक्स एक कोने पर जो एटम्स आयंस पार्टिकल जो भी रखे हैं जिससे वो बना है, तो वो तो क्या है, लैटिस पॉइंट है उनके। जो पर्टिकुलर एक कोने में जो पार्टिकल है, दूसरे कोने में ऐसे आठ कॉर्नर्स होंगे, उनमें जो पार्टिकल्स रखे हैं कॉर्नर से कॉर्नर ऐसे कनेक्टेड होकर के जो बना है, वो तो लैटिस पॉइंट है। लेकिन पूरा का पूरा ब्रिक जो है वो थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल, एक तरीके का क्यूबॉइड जो होता है, थ्री डायमेंशनल होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है उसका। तो इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, यूनिट सेल कहेंगे। और जब ईट ईट को जोड़ जोड़ करके हम लोग क्या बना देते हैं, एक पूरी दीवार बना देते हैं। वो पूरा दीवार जो बन गई वो क्या बन गया हमारा, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं या स्पेस लैटिस कहते हैं। इस बात से आपको आई थिंक सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब देखिएगा, हमें पढ़ना है सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस, सात तरीके के क्रिस्टल लैटिस कौन कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं, इस सब चीज़ को जानना पड़ेगा हमें। इस सब चीज़ों को जानने के लिए देखिएगा क्या करना है अब हमें, इन सब चीज़ों को जानेंगे अब हम। सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस की बातें हम करने वाले हैं, या सॉरी सेवन टाइप ऑफ यूनिट सेल्स लिख देता हूं मैं यहां पर, क्रिस्टल लैटिस लिख देता
एंड ब्रेविस लेटिस भी साथ में पढ़ेंगे हम लोग। सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस और ब्रेविस लेटिस का डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। जरा देखिएगा कैसे क्या होता है ये। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ट्रिक क्या होगी उसको याद रखने की। ये ट्रिक का कॉलम बना दिया हमने एक। उसके बाद हम उनके नाम क्या रखेंगे, नेम्स का उनका, ट्रिक से उनके नाम याद हो जाएंगे हमें। उसके बाद एज लेंथ, क्योंकि जो भी क्रिस्टल लैटिस होगा उसके कुछ एज लेंथ होगी, जैसे क्यूब की लेंथ, एज लेंथ जो होती है सारी की सारी ए होती है, इक्वल होती है सारी की सारी। इसके बाद इसकी बॉन्ड एंगल होता है कुछ इनका, जो एज होंगे उनके बीच में एंगल बनेगा, और लास्ट में ब्रेविस लैटिस होता है कुछ। लास्ट में कुछ ब्रेविस लैटिस होते हैं, वो ब्रेविस लैटिस भी हमें याद रखने हैं। अब इन सब चीज़ों का आप याद कैसे करेंगे, इन सब की मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिएगा कैसे ट्रिक क्या होती है इसकी। ट्रिक है देखिएगा बेटा जी कैसे याद करना, बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ। ये टेबल जनरली अगर वैसे आप याद करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगी, याद नहीं हो पाएगी। मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ याद कैसे करना है, समझिएगा इस चीज़ को, देखिएगा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम कोवेलेंट रेडियस। तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम कोवेलेंट रेडियस। अगर ये बात आपको याद हो गई तो समझ लीजिएगा बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये इजीली याद हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। ब्रेविस लेटिस हम लोग इस तरीके से लिख देता हूँ, ब्रेविस लेटिस को मैं, ब्रेविस लेटिस, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मुझे, कुछ चीज़ें समझानी है तो हमें स्पेस अवेलेबल हो जाएगा थोड़ा सा इधर। देखिएगा तुम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम कोवेलेंट रेडियस, इसका क्या मतलब है। तुम का मतलब टी से आप याद कर लेंगे, ट्राई क्लिनिक, इससे क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। एम का मतलब मोलिकुलर, मतलब मोनोक्लिनिक। ऑर्बिटल का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, इसी को ही हम लोग रोम्बिक भी कहते हैं, इसी का ही दूसरा नाम होता है रोम्बिक। थ्योरी मतलब टेट्रागोनल, टेट्रागोनल है। हम का मतलब हेक्सागोनल, हम का एच का मतलब हेक्सागोनल। कोवेलेंट सी से मतलब क्यूबिक। आर का रेडियस का मतलब, आर मतलब रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। और इसी को दूसरा नाम दिया गया है ट्राइगोनल भी, इसी को ही कहते हैं हम लोग। अगर इस सारी बातें आपको क्लियरली समझ आ गई तो अब समझिएगा जरा क्या होता है। अब क्या करना है हमें, जैसे कि ट्राई क्लिनिक मतलब तीन लोग बीमार हैं, तीन लोग बीमार हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों को अलग अलग बीमारियां हैं। ऐसे ही ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऐसे ही अगले में भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। उससे नेक्स्ट दो के अंदर आप क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और लास्ट दो के अंदर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और इसके अंदर भी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो अगर एज लेंथ की ट्रिक याद करनी है आपको, एज लेंथ की ट्रिक बता दूं मैं आपको, तो बेटा जी एज लेंथ की ट्रिक क्या हो गई, ऊपर के तीन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बीच के दो ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और लास्ट के दो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये ट्रिक हो गई आपको एज लेंथ याद रखने की, क्योंकि वैसे आप याद रखेंगे तो भूल जाएंगे, याद नहीं रह पाएगी बहुत लंबे टाइम तक। उसके बाद बॉन्ड एंगल की ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, बॉन्ड एंगल की ट्रिक कैसे याद रखना है बॉन्ड एंगल को। बॉन्ड एंगल की ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद करना है, टॉर्क, टी ओ आर सी। टॉर्क का मतलब, इस टी का मतलब टेट्रागोनल है, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक,
आर का मतलब रोम्बोहेड्रल है। और सी का मतलब क्यूबिक है। तो टॉर्क के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं उन सब के अंदर, टॉर्क के अंदर आपको क्या करना है, बोन एंगल्स को अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा लिखना है आपको सब के अंदर, टॉर्क में जो भी चीज़ें आ रही है। तो टॉर्क में आ गया क्या क्या आपके पास, टेट्रागोनल आ गया। तो टेट्रागोनल अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा हो गया, और इज इक्वल्स टू 90 डिग्री कर दीजिएगा इसको। फिर उसके बाद आता है ऑर्थोरम्बिक, इस तरीके से ये ऊपर वाला अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल टू गामा और इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दीजिएगा यहाँ पर आप। फिर क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल आता है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री अगर लिख दिया जाए यहाँ पर भी, तो देखिएगा फिर डिफरेंस क्या हुआ। क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ क्योंकि एज लेंथ भी सारी इक्वल और बोन एंगल भी सारे इक्वल, और इक्वल होने के बाद भी 90 डिग्री के। तो अब यहाँ पर डिफरेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिफरेंस करने के लिए क्या करना होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर तो होते हैं रोम्बोहेड्रल के अंदर लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, अलग से क्या याद रखना है, इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। अब ट्राइक्लिनिक में मैंने बताया कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी तीन लोग बीमार है, भी तीनों की अलग अलग बीमारियां हैं। तो भाई तीनों की अलग अलग जब बीमारियां हैं तो उनको दवाई भी तो सबको अलग अलग ही मिलेगी। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा लिख दो, बस खत्म हो गई कहानी। उसके बाद बचे केवल क्या, कितने हमारे पास, दो दो बचे। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू गामा होता है जो कि 90 डिग्री के होता है यहाँ पर मोनोक्लिनिक के अंदर, लेकिन एक लोग बीमार जो है, मोनो मतलब एक एक लोग जो बीमार है उसको उसको बीमारी की दवाई भी अलग ही मिलेगी कुछ है। तो उस वो जो है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, बस ये डिफरेंस होगा इसके अंदर। हेक्सागोनल में क्या है कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा जो कि 90 डिग्री के होगा, लेकिन गामा जो होता है यहाँ पर 120 डिग्री के होता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी पूरी टेबल की ट्रिक मैंने आपको बता दी है बेटा जी। अगर ये आपको क्लियरली समझ आ गई बातें सारी, तो फिर लास्ट में ब्रेविस लैटिस तो कुछ भी नहीं है। ब्रेविस लैटिस, टोटल ब्रेविस लैटिस 14 होते हैं हमारे पास। और 14 ब्रेविस लैटिस को कैसे याद करेंगे आप, इस तरीके से याद कर लेना, 1 2 का 4, अनिल कपूर का गाना है ना, 1 2 का 4, 4 2 का 1, 4 से शुरू हो जाओ, 4 2 का 1 और लास्ट में 31, और टोटल जब आप इनको जोड़ के देखोगे तो ये 14 ही आंसर आएगा। देख लेना यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं इनका, ब्रेविस लैटिस 1 2 का 4, 1 2 का 4 यहाँ तक, फिर 4 2 का 1 और लास्ट में 31 लिख दीजिएगा। तो ये हो गए हमारे ब्रेविस लैटिस, और ये 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस और ब्रेविस लैटिस का कंप्लीट डिस्कशन मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस टेबल को बुक से याद करेंगे तो आपको रटना पड़ेगा, आप ये टेबल बहुत इजीली याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेटा जी आप अगर इस टेबल को ट्रिक से याद करेंगे तो आप बहुत इजीली और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इसको याद कर पाएंगे और ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगी। तो ये था हमारा आज की क्लास का पूरा फंडा, और उसके बाद हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कौन से यूनिट सेल में क्या होता है, किस तरीके से एटॉमिक अरेंजमेंट होते हैं, या क्या क्या किस तरीके से क्या सारा सिस्टम चलता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा, जो भी चीज़ें हम करा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही इजी या ट्रिकी मेथड से सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहें, सबसे पहले आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आए इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करिए, ताकि जिन लोगों को वास्तव में ज़रूरत है, जो लोग ज़्यादा महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन तक ये वीडियो, उन तक ये लेक्चर, उन तक ये मटेरियल पहुंच जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसको शेयर करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए जोश के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अपने घर पर रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।